आज हम लोग टॉपिक सिक्स में जो टाइटल है द रोल ऑफ पुलिस एंड द कोर्ट्स चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पुलिस का महत्वपूर्ण पुलिस की भूमिका होती है न्यायिक प्रक्रिया में भी, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोर्ट की ओर से जो ऑर्डर होता है, जो इन्वेस्टिगेशन करना होता है, वो किनसे कोर्ट कराएगा? कोर्ट तो स्वयं जाके नहीं करेगा, तो कोर्ट पुलिस को आदेश देगा कि संबंधित ऑफरेंस और केसेस के मामले में तहकीकात करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। इसलिए पुलिस का कोर्ट के साथ लिंक्ड होता है और पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है न्यायिक विधान में, प्रक्रिया में भी, रिपोर्ट प्रस्तुत करने में। तो पिछले दिन हमारी चर्चा हो रही थी कि यदि किसी प्रकार का ऑकरेंस होता है, कोई घटना घटती है, तो सबसे पहले व्यक्ति पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस को अपनी कहानी कर अपनी कथा सुनाते हैं, घटना के बारे में सुनाते हैं और पुलिस सिस्टमेटिकली इन द सीक्वेंस वो एक एक करके वो नोट करती है। पुलिस अपेक्षा करती है कि संबंधित व्यक्ति सिलसिलेवार ढंग से कैसे कैसे घटना घटी उसके बारे में क्रमशः जानकारी दें। उसके बाद पुलिस उस व्यक्ति जो एप्लीकेंट है उनसे साइन करवाती है और यानी संबंधित व्यक्ति पहले कहां जाते हैं, तो पुलिस के पास, निकट के थाना में ऑफिसर इंचार्ज जो होते हैं, पुलिस इंचार्ज जो होते हैं उनके पास, और वो अपनी कथा सुनाते हैं सिस्टमेटिकली कैसे कैसे घटना घटी क्रमशः सिलसिलेवार ढंग से। पुलिस उन्हें लिखती है, डायरी में नोट करती है और अंतिम में उसको उस संबंधित व्यक्ति से जो एप्लीकेंट है उनसे हस्ताक्षर करवाती है, एक कॉपी पर लिखती है फिर उसके बाद हस्ताक्षर करवाती है और बाद में उन्हें डायरी में अंकित किया जाता है। तो ऐसा है, सामान्यतया पुलिस किसी भी व्यक्ति के घटना को धड़ल्ले से नहीं एंट्री कर लेती है, क्योंकि जो ही वो रिपोर्ट है उनको बनाना पड़ेगा तो पुलिस को तुरंत उसके ऊपर अनुसंधान करना पड़ेगा। किंतु पुलिस सामान्यतः उनको करना है, अनिवार्य है कि कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो पहुंच रहे हैं अपने संबंधित मामला को लेकर के, तो पुलिस इज फुली इंटेंटेड और ऑथराइज टू टेक टू देयर रिपोर्ट्स, इट इज हिज ड्यूटी और हर ड्यूटी। लेकिन जो वास्तविक में है, धरातल पर है, सामान्यतया सामान्य व्यक्ति जो जाते हैं और खास करके दोज पर्सन हु आर इलिटरेट और बिलोंग टू वीकर सेक्शंस, पुलिस इस प्रकार का एफआईआर दर्ज करने से
भी कतराती है, टाल मटोल करती है। वैसे पुलिस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस के माध्यम से सुरक्षा और शांति कायम रहती है, किंतु कई ऐसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो अपनी ड्यूटी से मुकरते रहते हैं, या फिर इंटरेस्ट तभी लेना पसंद करेंगे जब उन्हें लगे कि इनके द्वारा हमें एक मोटी रकम के रूप में प्राप्त हो, जबकि ये इलीगल है। पुलिस को सरकार तनख्वाह देती है, पुलिस का वो कार्य है, किंतु कोई घटना घटी, एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित व्यक्ति जाते हैं, वो एफआईआर दर्ज होगा तो उसका नॉमिनल जो चार्ज है ये इलीगल चार्ज है, लेना नहीं है, किंतु पुलिस ऐसे चार्ज से वो झिझकती नहीं है, या यूं कहें कि उनकी कलम फूलती नहीं है, यूं कहें। खैर, इस पर हम लोग आलोचना पर बहुत नहीं जाएंगे, किंतु पहली बार चूंकि यह मामला दर्ज होता है थाना में पुलिस इंचार्ज के पास, इसीलिए इसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं कि आपको इस प्रकार की सूचना दी जा रही है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी बात हुई है, या घटना घटने वाली है, या हमको धमकी मिली है, जान से मारने की बात हुई है आदि। तो ऐसी स्थिति में पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करती है, या टीम बनाती है, या किन्हीं को अधिकृत कर देती है ऑफिसर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए, अनुसंधान के लिए, कि जो ये मामला दर्ज किए गए हैं इसमें क्या सच्चाई है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति को वो पकड़ के बुला के पूछताछ कर सकती है, आवश्यकता पड़ने पर उसको थ्रेटन भी किया जाता है सही बात की जानकारी का पता कर, किंतु इसका मतलब यह नहीं होता है कि पुलिस उनको टॉर्चर करेगी। तब है कि अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ दैट एफआईआर पुलिस प्रिपेयर ए रिपोर्ट दैट रिपोर्ट इज नोन एज चार्जशीट। यानी पुलिस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के आधार पर इंडिविजुअली जो क्राइम हुई है, घटना घटी है, उस व्यक्ति के ऊपर एक चार्जशीट तैयार करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है, जिसको हम लोग चार्जशीट के रूप में जानते हैं, और यही चार्जशीट कोर्ट में भी जाता है। अब ये तो बात चार्जशीट की हो गई, द पुलिस ऑफिसर प्रिपेयर्स ए रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दैट इज नोन एज चार्जशीट। तो ऐसा भी होता है कि पुलिस ऑफिसर चाहे तो वो एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, बहानाबाजी टाल मटोल करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में भी विकल्प है कि पुलिस ऑफिसर लगता है कि यदि वो आनाकानी कर रही है, तो ऐसी स्थिति में बाय पोस्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो जिला में पुलिस विभाग
के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उनके पास रजिस्टर डाक के द्वारा वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं संबंधित व्यक्ति। अब सच्चाई उस घटना के बारे में पुलिस जो जिला की होती है यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वो किसी पुलिस ऑफिसर को अधिकृत करती है, मतलब पुलिस करती है और संबंधित ऑफिसर इस बात का तहकीकात उस घटना के बारे में करते हैं, अथवा दूसरा यह भी है कि वो डायरेक्ट कोर्ट भी व्यक्ति जा सकते हैं अपने घटना को फाइल करने के लिए, केस करने के लिए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध। तो इस प्रकार की व्यवस्था डिनाइल की स्थिति में है। अब है जो मैंने कहा था कि जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट तैयार किया जाता है, पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करती है, अनुसंधान करती है कि क्या मामला है, कौन इसमें दोषी है, कहां तक सच्चाई है। तो इस संदर्भ इस कालखंड में संबंधित व्यक्ति जो घटना को अंजाम देते हैं तो उनके बाद उनको पकड़ धकड़ भी करती है, उन्हें पूछताछ भी करती है, उन्हें दबाव भी डाला जाता है। किंतु ध्यान रहे पुलिस जज नहीं होती है, मतलब पुलिस न्यायालय नहीं है, वो जज नहीं है कि वो किसी को सजा सुना सकती है, बल्कि न्यायालय में जांच कर प्रतिवेदन को प्रस्तुत करती है पुलिस। इसलिए उन्हें उनके लिए इंस्ट्रक्शन रहता है कोर्ट की ओर से भी, और संविधान में भी ऐसा प्रावधान है, नियम बनाया गया है कि जिस किसी भी व्यक्ति को पुलिस संदेह के आधार पर, एफआईआर के आधार पर, चार्जशीट के आधार पर गिरफ्तार करती है तो उनसे पूछताछ की जा सकती है, किंतु उन्हें यातनाएं नहीं दी जा सकती है, किंतु उन्हें टॉर्चर नहीं किया जा सकता है, मारपीट नहीं की जा सकती है। यानी हर हाल में पुलिस जिस रूप में उस व्यक्ति को अरेस्ट की है उसको उस रूप में निकट के न्यायालय में जज के सम्मुख, मजिस्ट्रेट के सम्मुख हाजिर करती है। यानी अभी पुलिस के सामने भी कुछ समस्याएं आती हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस सब लूट खसोट ही करती है, ये बात अलग है कि ऐसी परंपरा चल चुकी है खास करके अपने राज्य में, और राज्य में भी है कि बगैर वो का फाइल को आगे बढ़ाने के लिए उसमें पहिए की जरूरत होती है, उसको आगे मूव करने के लिए। ये पहिया क्या है? ब्राइट घूस। किंतु सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि पुलिस ईमानदार होती है, पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करती है और व्यक्ति को उचित न्याय दिलाने का प्रयास करती है। बहुत बहुत ईमानदार अफसर भी सभी राज्यों में होते हैं पुलिस में, कोई कोई ऐसे पुलिस पदाधिकारी होते हैं जो पथ भ्रष्ट होते हैं तो अलग है, अपवाद मान लीजिए। अभी कल की बात है जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया था ये सुशांत राजपूत मर्डर कांड में, वहां की पुलिस पता नहीं लगता है कि सरकार के दबाव में या जो कोई भी हो या बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति के दबाव में, वो बिहार की जो पुलिस गई उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया ही नहीं गया, उन्हें कैद कर लिया गया, सीनियर आईपीएस ऑफिसर को भेजा गया, उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया। अरे भैया आपको सूचना दे करके यहाँ के
सुप्रीमो के द्वारा भेजा गया है जांच के लिए पुलिस का कार्य होता है कि यदि घटना घटी है उसके बारे में सही जानकारी लेना और उसको उचित जस्टिस दिलाना। तो हमारे डीजीपी साहब ने घोर नाराजगी व्यक्त की थी गुप्तेश्वर पांडे जी ने। मामला बहुत आगे बढ़ गया, पूरे देश संपूर्ण देश में ये चर्चा का विषय बन गया कि बिहार का एक होनहार जो अभिनेता है था उनकी उनकी वो सुसाइड नहीं किया है बल्कि उनकी हत्या कर दी गई है ऐसी आशंका व्यक्त की गई उनके परिवार वालों के द्वारा भी बताया गया। और अंततः वहां की पुलिस नहीं चाह रही थी, वहां की सरकार नहीं चाह रही थी कि यहां के केस का इन्वेस्टिगेशन बिहार की पुलिस करे। संशय स्थिति उत्पन्न हो गई जब आईपीएस ऑफिसर को भी क्वारंटाइन कर दिया गया 14 दिन के लिए। आप सब जानते हैं क्या जितने भी वहां पर व्यक्ति पहुंचते हैं महाराष्ट्र में सबको क्वारंटाइन, हजारों लोग प्रतिदिन लैंड करते हैं डिफरेंट कंट्री से या डिफरेंट स्टेट से, तो फिर यही को क्यों किया गया? ये सरकार के कार्य में सहयोग करने के लिए पुलिस विभाग की ओर से इस प्रकार से पहल की गई थी। खैर बाद में वहां महाराष्ट्र की ओर से मामला दायर कर दिया गया, नहीं महाराष्ट्र की ही पुलिस सक्षम है, वो लिपापोती का काम कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया बिहार पुलिस के द्वारा अनुसंधान सही, फिर सीबीआई को ओवरहेड करना सरकार के द्वारा लिया गया, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा निर्णय लिया गया सही, और साथ ही साथ महाराष्ट्र की पुलिस को जबरदस्त फटकार भी लगाई। ये कल की घटना है। तो इस तरह से कुछ पुलिस ऑफिसर ऐसे होते हैं कि अपने वर्दी को बदनाम कर देते हैं, किंतु ओवरऑल पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और हम सब उनकी प्रशंसा भी करते हैं। हमें पुलिस की बुराइयों पर नहीं जाना है, उनकी अच्छाइयों को लेना है। तो इस प्रकार से यदि पुलिस डिनाय भी करती है एफआईआर लेने से, तो उसके लिए भी विधान है। आप ऊपर के अधिकारी के पास जाइए या पोस्टल डिपार्टमेंट की सहायता से आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए या फिर डायरेक्ट कोर्ट में भी जाइए। तो इस प्रकार से पुलिस निरंतर प्रयास करती है कि जो घटना घटी है उसके बारे में अनुसंधान करना, वस्तु स्थिति की सही जानकारी लेना, न्यायालय के समक्ष उन रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, सुपुर्द करना आदि आदि। अब है कि पुलिस के भी सामने कुछ समस्या रहती है, ऐसा नहीं एक नहीं रहती है। अब माना कि सैटरडे को कोई जो चार्जशीट व्यक्ति को गिरफ्तार पुलिस करती है 4 बजे शाम में या 5 बजे शाम में, संडे को कोर्ट बंद रहता है, मंडे को कोर्ट खुलेगा तो मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पुलिस उन्हें हाजिर करेगी। नियम है कि 24 आवर्स यानी 24 घंटा के अंदर में पुलिस को हर हाल में उस गिरफ्तार यानी अरेस्टेड व्यक्ति को उपस्थित करना है, हाजिर करना है। तो यहां तो 48 घंटा हो जाएगा तो पुलिस स्वयं फंस जाएगी। इस प्रकार की कुछ समस्या आती है पुलिस के भी समक्ष। हालांकि पुलिस बड़े ही चतुराई से इसमें रास्ता निकाल लेती है। मैं पब्लिकली बोलना बहुत पसंद नहीं करूंगा,
कि हम लोग आप लोग पढ़िएगा आगे में कि एस्केप बिटवीन टू हर्ब्स ऑफ ए डायलेमा, कि दो सिंहों के बीच से कैसे मुक्ति मिले, जान छुड़ाई जाए, तो पुलिस व्यवस्था उपाय ढूंढ लेती है। तो इस तरह से ऐसी प्रक्रिया है, विधान है, इसके माध्यम से पुलिस कोर्ट में उस संबंधित व्यक्ति को हाजिर भी करती है, रिपोर्ट का अनुसंधान करके रिपोर्ट भी देती है, कोर्ट का जो आदेश होता है उसके अनुसार से, दिशा निर्देशन के अनुसार से पुलिस कार्य करके रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस तरह का सारे काम पुलिस ऑफिसर ही करते हैं और कोर्ट को न्यायिक विधान में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये हुआ पुलिस का सामान्यतया रोल। अब है हम लोग को देखना है कि कोर्ट आगे क्या क्या किस प्रकार से कार्रवाई करता है और जजमेंट देता है, सारी बातों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही।